हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्साडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अभी हम लोग चल रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उसमें हम लोग का सब टॉपिक चल रहा है एनालिटिक ज्योमेट्री और उसमें हम लोग देख रहे हैं लास्ट टॉपिक एनालिटिक ज्योमेट्री का, जिसका नाम है प्लेन्स इन 3D। तो प्लेन्स इन 3D में यह है लेसन नंबर 14 हमारा। और पहले देख लेते हैं प्लेन का डेफिनेशन क्या होता है। एक्चुअली सबको पता होता है प्लेन का डेफिनेशन, लेकिन एक कन्वेंशनल मैथमेटिकल डेफिनेशन तो बनता है, कभी कभी वन लाइनर क्वेश्चन में आ जाते हैं, कभी कभी छोटे मोटे एग्जाम में, तो इसलिए पढ़ते हैं इसको। अ प्लेन इज एन आइडियल ऑब्जेक्ट, ये एक आइडियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दैट हैज ओनली टू डायमेंशन। एक प्लेन के पास दो डायमेंशन होते हैं, ठीक है ना, एंड एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली फार, जैसे ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहां से सपोज मान लीजिए ये एक्स वाई और जेड, ये है हमारा एक्स एक्सिस, सपोज ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। तो कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आप ले लेंगे, एक्स और जेड को आप कंबाइन करेंगे, ठीक है ना, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस को आप कंबाइन कर लेंगे, तो आपको मिल जाएगा कौन सा प्लेन, या मिल जाएगा आपको एक्स जेड प्लेन। उसी तरह से वाई और जेड को आप कंबाइन करेंगे तो आपको वाई जेड प्लेन मिल जाएगा, ठीक है ना, आपको वाई जेड प्लेन मिल जाएगा, ये वाला प्लेन, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ भी कॉम्बिनेशन लेंगे तो अलग अलग तरह का प्लेन मिलेगा। फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लोग देखते हैं। सपोज मान लीजिए एक ग्रे कलर का प्लेन दिख रहा है आपको, और इस ग्रे कलर के प्लेन में सपोज मान लीजिए कि दो पॉइंट हम लोग कंसिडर करिए हैं, सपोज एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक, ये वाला पॉइंट एक्चुअली इधर ही होना चाहिए। तो सब मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए ये नॉर्मल वेक्टर यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल वेक्टर इधर एन वेक्टर इधर से निकल रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका P1, तो ये इसका अगर मैं आपको वेक्टर पूछूं तो क्या बोलोगे आप, बोलोगे R1 वेक्टर है, क्यों, क्यों ओरिजिन से यहाँ का ये वाला वेक्टर कौन सा है, R1 वेक्टर है। उसी तरह से इस पॉइंट P का वेक्टर कौन सा होगा, ये कुछ नहीं है, R वेक्टर होगा, ठीक है, ये है R1 वेक्टर हमारा, ये है R वेक्टर। तो अगर मैं पूछूं कि ये वाला वेक्टर बताओ, ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, आपको पता है कि ये R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होता है। कैसे, ट्रायंगल लॉ पढ़े हो ना, तो इस ट्रायंगल में OP1P, इस ट्रायंगल में आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो R1 वेक्टर, ठीक है ना, ये वाला वेक्टर प्लस करो, मुझे पता नहीं वो, लेटेस्ट कंसिडर उसको मैं मान लेता हूँ P1P है, ठीक है, और बराबर क्या होना चाहिए, जो अपोजिट साइड से क्लोज करता है, तो ये क्या हो जाएगा, R वेक्टर। तो यहां से आप P1P वेक्टर क्या निकाल सकते हो, ये लिख सकते हो आप R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, कोई दिक्कत, वही चीज लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये बताओ कि इस वाले वेक्टर में, ये तो परपेंडिकुलर है ना, और ये वाला इसके परपेंडिकुलर है, तो क्या हम बोल सकते हैं अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो इस वेक्टर का और इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहां पे, द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन स्पेस इज डिफाइंड विद नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अ नोन पॉइंट ऑन द प्लेन। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्या कि कोई भी प्लेन को डिफाइन करने के लिए हमें दो चीज चाहिए, पहला एक तो नॉर्मल वेक्टर चाहिए, जो प्लेन को आप डिफाइन कर रहे हो उसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए ही चाहिए, साथ में और क्या चाहिए, एक नोन पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट पता होना चाहिए आपको। तो यहां पे सपोज मान लो P1 पॉइंट है, आपको ये पता है, आपको ये P1 पॉइंट पता है और इससे एक नॉर्मल वेक्टर निकलता हुआ आपको ये पता है, ठीक है। तो एक वेक्टर पता है और ये नोन पॉइंट पता है, ठीक। तो लेट अस कंसीडर एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, एक दूसरा पॉइंट हमने कंसीडर किया P, और ये जो पॉइंट है ना P1, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, नोन पता है आपको, तो इसलिए X1, Y1, Z1 है, और ये आपका अननोन है, तो सपोज मान लो ये X, Y और Z है, ठीक है। तो ये नॉर्मल वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, तो नॉर्मल वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, ये नॉर्मल वेक्टर आपको तो इसका कोऑर्डिनेट्स मतलब ये सारे डायरेक्शन रेशियोज नहीं पता ना, इसको ABC को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपने लिखा n = ai + bj + ck, आप यहां पे कैप भी लगा सकते हो, ठीक है, नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वही होता है। तो हमको तो ये पता है कि P1, P और N वेक्टर जो है आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उसका स्केलर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो P1, P वेक्टर को मैंने ये फाइंड किया, ठीक है ना, तो स्केलर प्रोडक्ट को जीरो कर दो। जब आप स्केलर प्रोडक्ट को आप इसको जीरो कर दोगे तो आपको कुछ रिलेशन मिलेगा, आप इसको क्या लिख सकते हो, R वेक्टर को लिख सकते हो ना, R वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, R वेक्टर को लिख सकते हैं xi cap + yj cap + zk cap, कोई दिक्कत, क्यों, यहां पे एक्स वाई जेड पॉइंट्स है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट, पोजिशनल कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा वेक्टर, ठीक है ना।
उसी तरह से R1 वेक्टर मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या है कोऑर्डिनेट्स, X1, Y1, Z1। अगर X1, Y1, Z1 है तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, X1 I कैप होगा प्लस Y1 J कैप हो जाएगा प्लस Z1 K कैप हो जाएगा। फिर दोनों को माइनस करोगे तो आएगा ना X माइनस X1, Y माइनस Y1, वही चीज़ तो है यहाँ पे, ठीक है। ये कर लिया तो इससे हमको ये वाला वेक्टर मिला, और डॉट एन वेक्टर, एन वेक्टर तो हम ये लिख चुके हैं, अब इसको इक्वेट कर दो, इक्वल टू जीरो कर दो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि ये, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये इक्वेशन मिलेगा, जहां से आप डी को इस तरह से आप बना करके लिख सकते हो, ठीक है ना। और अगर प्लेन आपका मान लीजिए ओरिजिन से पास कर रहा है तो उसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर एक्स वन वाई वन जेड वन जीरो है तो आप क्या कर सकते हो, डी को जीरो भी कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मेट है, जनरल फॉर्म हम लोग ने देखा, अब है देखेंगे हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, देखो क्या करना है, ये सपोज एक प्लेन है, ये प्लेन क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कहीं काट रहा है, y एक्सिस पे यहीं कहीं कट कर रहा है, और z एक्सिस पे कहीं कट कर रहा है। तो अगर x एक्सिस पे कट करेगा तो ऑब्वियसली x का वैल्यू होगा कुछ, है कि नहीं, y का तो जीरो होगा और z का भी जीरो होगा। उसी तरह से y पे काटेगा तो x जीरो हो जाएगा, z जीरो हो जाएगा, y बचेगा सिर्फ, और z पे काटेगा तो x और y जीरो हो जाएगा, z का सही बचेगा, ठीक है ना। तो वही जो जनरल फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन है तो हमको तो पता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो होता है। तो इस प्लेन को क्या क्या मैंने जो इंटरसेप्ट लिखा है ना, सो लेट दिस प्लेन मेक एन इंटरसेप्ट ऑफ ए बी सी, तो ए बी सी इंटरसेप्ट मान लिया, ये बना रहा है, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो आपका एक्स पॉइंट का एक्सिस, वाई पॉइंट का, सॉरी एक्स पॉइंट एक्स एक्सिस, ये जो पॉइंट कट किया उसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, ए जीरो जीरो, वही चीज़ है यहाँ पे। वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो बी जीरो, ये वाला, और फिर जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो जीरो सी, ठीक है। एज द प्लेन पासेस थ्रू पी क्यू आर, अगर ये वाला प्लेन जो है ना पास कर रहा है ना पी क्यू आर से, तो जाहिर सी बात है कि ये सारे कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा ये वाला कंडीशन, अगर क्योंकि ये सारा पॉइंट्स प्लेन पे लाई कर रहा है। इसका क्या मतलब है, कोई भी पॉइंट ले लो प्लेन पे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी तो वैलिड है ना वो इक्वेशन, वरना तो नहीं होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, सपोज उसको सेटिस्फाई करा के हमको ये वाला इक्वेशन मिला, ठीक है। उसी तरह से क्यू का भी कोऑर्डिनेट डालो, आर का भी कोऑर्डिनेट डालो, तो आपको बी का रिलेशन मिलेगा और सी का रिलेशन मिलेगा, ठीक है। जब आप ऐसा डालोगे तो आपको एबीसी पता चल जाएगा। जब एबीसी को आप जनरल फॉर्मेट में डालोगे ना, तो आपको ये एक छोटा सा इक्वेशन, मासूम सा इक्वेशन बन के आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो इक्वेशन बन के आया, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, समझ गए, ठीक है। फिर एक और फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्री पॉइंट फॉर्म, मतलब एक प्लेन में आप तीन पॉइंट ले लो कहीं पे भी, और नॉन कोलिनियर, मतलब अलग अलग जगह, एक लाइन में नहीं होना चाहिए, कोई अलग अलग पॉइंट पे होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप ले लो, और उसके फॉर्मेट में जब आप लिखोगे तब आपका क्या होना चाहिए, इस तरह से कुछ पॉइंट। ये सब जरूरी नहीं है, मैं जो फॉर्म बता रहा हूँ आपको ये सब डेरिवेशन है, देख लेना इसको, वैसे जरूरी नहीं। हाँ, ये वाला चीज़ है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वाला जो है इसको इक्वल टू जीरो कर सकते हो, इसको इक्वल टू जीरो कर सकते हो, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये वाला फ्रेम करके आप लिख सकते हो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट के लिए, और इसको आप डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आप जीरो डालोगे, तो ये वाला जो इक्वेशन आता है इसको हम लोग बोलते हैं थ्री पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है। आपको बस ये याद रखना, आपको तीन तरह का फॉर्मेट का मेन इक्वेशन याद रखना है, जनरल फॉर्म याद रखना है, इंटरसेप्ट फॉर्म याद रखना है, थ्री पॉइंट फॉर्म याद रखना है। डेरिवेशन नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, बस आपको फाइनल रिजल्ट याद होना चाहिए। फिर देखते हैं एंगल, एंगल के बारे में भी वही है, एंगल पता करने के लिए क्या करते हैं, देखो सिंपल सा चीज, कोई भी दो प्लेन का एंगल पता करने के लिए, मान लो इस प्लेन है, ये वाला प्लेन है और ये वाला प्लेन है, ठीक है, इस दो प्लेन के बीच का एंगल पता करना है, तो हम क्या करेंगे, इस प्लेन से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे इधर, ठीक है, और इस प्लेन से भी एक परपेंडिकुलर गिराएंगे, ठीक है। तो इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा ना, वही इस दोनों के प्लेन के बीच का एंगल होगा। तो प्लेन के बीच का एंगल पता करने के लिए दोनों प्लेन से परपेंडिकुलर निकालो, और उस दोनों परपेंडिकुलर के बीच का जो एंगल होगा वही फाइंड करो, तो वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सारा डेरिवेशंस था, आपको जो एंगल पता करना है, ठीक है, तो एंगल का करने वेक्टर के फॉर्मेट में ये वाला होता है फॉर्मूला, ठीक है। नॉर्मल वेक्टर आपको अगर पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, अगर आपको नॉर्मल नहीं पता है, आपको जनरल फॉर्म दिया हुआ है, तो उसमें आप फॉर्मूला ये वाला लगाना है, ठीक है ना, एंगल निकालने का, ये वाला करके ये वाला चीज पता करना है। अब A1, A2, B1, B2, C1, C2, तो आप तो माहिर हो, आप तो सीख चुके हो क्या होता है ये, ठीक है, बस ये फाइंड करना है। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज, कि एक पॉइंट से एक प्लेन का दूरी, मतलब सपोज एक
प्लेन है, ठीक है, और एक पॉइंट कहीं है स्पेस में, यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता करना है आपको। तो वो कैसे पता करेंगे, उसमें भी ये सारी चीजें हैं, तो ये देखना है तो आप इसको देख सकते हो, डेरिवेशंस मैंने लिख दिया है, वैसे इसकी जरूरत है नहीं, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म है, अगर आपका वेक्टर कैलकुलस काफ़ी अच्छा है, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, तो आप इसको आसानी से डिराइव कर सकते हो, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बच्चे नहीं हो आप तो इसलिए मैं उतना डिस्क्राइब कर नहीं रहा हूँ इसको, ठीक है, वैसे ही इसका रिक्वायरमेंट अभी होता नहीं। डिस्टेंस जो होगा आपका, सिर्फ आपको फाइनल रिजल्ट याद रखना है कि अगर आपको डिस्टेंस पता करना है एक पॉइंट से एक प्लेन का, तो बस आप ये याद रखो, बस और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। हमें जो जनरल फॉर्मेट है इक्वेशन का वो अगर पता है मुझे, वहाँ से x1 y1 z1 तो निकल ही जाएगा, फिर ए बी सी भी पता है हमको, तो बस ये डी निकालने का फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, और कुछ भी याद नहीं रखना है। एक क्वेश्चन देखते हैं, सपोज मान लीजिए आपसे पूछा है कि व्हाट इंटरसेप्ट्स आर मेड बाय द प्लेन एंड द थ्री एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हेन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज दिस। आपको क्या बोला कि एक इक्वेशन दे दिया 3x + y - z = 5, आप क्या करोगे, आपको बोला कि इंटरसेप्ट बताइए, एक्स पे कितना कट रहा है, वाई पे कितना कट रहा है, जेड पे कितना कट रहा है। तो हम एक फाइनल इंटरसेप्ट वाला फॉर्म याद है ना, x/a + y/b + z/c = 1, यही होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे और फिर यहां से कंपेयर करके ए बी सी निकाल लेंगे। सिंपल सा है, देखो वही सॉल्यूशन मैंने किया है यहां पे, ये वाला इक्वेशन है तो 5 से डिवाइड करें, राइट हैंड साइड में हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए ना, तो इसलिए 5 से डिवाइड कर दो और इस तरह से लिख दो, ठीक है, एक्स और वाई और जेड के साथ बगल में कुछ नहीं होना चाहिए, उसके नीचे होना चाहिए। जब आप ऐसा करते हो, ठीक है, तो आप कंपेयर करोगे उस चीजों को, तो आपको ए मिल जाएगा 5/3, बी मिल जाएगा 5 और सी मिल जाएगा -5, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स आप क्या बोल सकते हो कि ये है पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट और ये है तीसरा कोऑर्डिनेट, है कि नहीं। फिर एक और एग्जांपल है, आपको तीन पॉइंट दे दिया और आपको बोला इक्वेशन पता करने के लिए, तो मैंने आपको सिखाया था थ्री पॉइंट फॉर्म, वही वाला इक्वेशन याद करो। तो आपको पता है थ्री पॉइंट फॉर्म, पहले हम तो डिटर्मिनेंट चेक करेंगे कि एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर मान लो 0 आ जाता ना, तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करता, तो उसको कोलिनियर बोलते, तब हम नहीं इक्वेशन लिख सकते थे, हमको नॉन कोलिनियर चाहिए, मतलब इस तरह से कुछ, ठीक है। अगर ऐसा पॉइंट कहीं पर 3 मिल गया तब हम उसका पूरा प्लेन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वही डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या आया हमारा, -8, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसके मतलब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अगर ऐसी बात है तो बस थ्री पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमको पता है, उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग वैल्यूज। जब आप इस तरह से करोगे तो आपको ये वाला फाइनल इक्वेशन बन करके आ जाएगा, ठीक है ना। और आपको बोला कि अच्छा ठीक है, इससे फिर बताओ आप कि x पे कितना कट रहा है, y पे कितना कट रहा है, z पे कितना कट रहा है, तो आप क्या कन्वर्ट कर दोगे, राइट साइड में 1 कर दोगे और फिर x के नीचे लिख दोगे, y के नीचे लिख दोगे, z के नीचे लिख दोगे और कंपेयर कर दोगे ए बी सी को, तो ए बी सी के वैल्यूज पता चल जाएगी, ठीक है। तो मैं ये हम लोगों ने पढ़ लिया, प्लेन्स इन थ्री डायमेंशनल कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।